Hello everyone, this is Ashwin. This is another chapter of company law, that is audit and auditors. In this chapter we will discuss all these in detail. Appointment of auditors, rotation of auditors, removal of auditors and resignation of auditors. In this video we will discuss only about the appointment of auditors. Okay. And appointment of auditors are discussed in well detail under section 139. Okay, so first question देखिए क्या arise होगा, that means who will be the auditors here. They may be individual, they may be firm or they may be LLP. कोई भी हो सकता है, ठीक है. मान suppose there is a company and they want to appoint some auditors, so they may be individual, they may be firm or they may be limited liability partnership. Okay. अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि कंपनी इनको कैसे अपॉइंट करेगी और कहाँ पे अपॉइंट करेगी. ओके, सो एवरी कंपनी नीड टू अपॉइंट ऑडिटर्स एट फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग. एंड यू नो वेरी वेल व्हाट इज एनुअल जनरल मीटिंग, क्या होती है, जो कि साल में एक बार होती है, ठीक है. एंड इफ यू डोंट नो अबाउट द AGM, प्लीज वॉच माई प्रीवियस मीटिंग वीडियोज, आई हैव डिस्कस्ड इन वेरी डिटेल इन द चैप्टर ऑफ डिविडेंड. ओके, सो कंपनी देखिए कहाँ पर इनको अपॉइंट करती है, एट फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग. ओके, अब क्वेश्चन ये रह जाता है कि जो ऑडिटर्स अपॉइंट हुए हैं वो कब तक रहेंगे, दैट मीन्स उनका टेन्योर कब तक होगा. टिल द कंक्लूजन ऑफ 6th AGM, मीन्स सपोज द ऑडिटर्स गेट अपॉइंटमेंट इन 2016, सो देयर टेन्योर विल कंटिन्यू टिल 2021. ओके, रिजोल्यूशन दैट मीन्स देखिए AGM में कौन होता है, बेसिकली इन AGM देर आर मेंबर्स, हु आर द मेंबर, शेयर होल्डर्स, दैट मीन्स ऑल द शेयर होल्डर्स जॉइंटली डिसाइड अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स. ओके, एंड दे जनरली पास विच रिजोल्यूशन, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन. ठीक है, आपको अच्छे से पता है ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन क्या होता है. बेसिकली जहाँ पर मान लीजिए सपोज को एक डिसीजन लेना है जहाँ पर हाँ वाले मेंबर्स ज़्यादा होंगे, ना वाले कम होंगे, ठीक है, यस वाले ज़्यादा होंगे, नो वाले कम होंगे, ठीक है. सो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन उसको बोलते हैं. एक होता है स्पेशल रिजोल्यूशन, जहाँ पर एक फिक्स कह रहे थे परसेंटेज क्राइटेरिया है, दैट मीन्स अगर स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना है तो कम से कम 75% आपके वोट से वो फेवर में होने चाहिए, अदरवाइज वो रिजोल्यूशन पास नहीं होगा क्योंकि वो स्पेशल रिजोल्यूशन है. बट ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन में क्या होता है, बस ये होता है कि येस और नो के बीच, येस में येस वाले ज़्यादा होंगे तो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन होंगे, ठीक है. नाउ रेटिफिकेशन, देखिए रेटिफिकेशन का तो बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया, लाइक द टेन्योर ऑफ द ऑडिटर्स दे विल कंटिन्यू टिल 6th AGM, ठीक है. तो 6th AGM दैट मीन देखिए फर्स्ट ईयर में अपॉइंट हुए, 6th AGM में जाके उनका टेन्योर फिनिश होगा, तो फिर सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर में क्या होगा, दैट मीन्स द कंपनी नीड टू टेल द ऑडिट कमिटी दैट दे डोंट वांट टू अपॉइंट एनी ऑडिटर्स, दैट मीन्स देर इज नो वैकेंसी. ओके, रेटिफिकेशन मतलब क्या होता है कि कंपनी को सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर में उनको यह बताना पड़ेगा, किसको बताना पड़ेगा, ऑडिट कमेटी को बताना पड़ेगा कि अब कंपनी में कोई भी ऑडिटर्स के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं है. और इसके लिए भी उन्होंने उनको उनको AGM में ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करना होगा, ठीक है. अगर ऐसा नहीं करेंगे तो अदरवाइज इट विल बी ट्रीटेड एज कैजुअल वैकेंसी, दैट मीन देयर इज अ वैकेंसी. ओके, बट द थिंग इज देयर इज एन अमेंडमेंट. अमेंडमेंट क्या है, रेटिफिकेशन नॉट रिक्वायर्ड नाउ, रेटिफिकेशन जरूरत नहीं है सर. फिर आपने क्यों बताया, नॉलेज के लिए, ठीक है, जितना नॉलेज गेन कर सको उतना अच्छा आपके लिए. सो दैट मीन्स अब फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स द कंपनी नो नीड टू रिक्वायरमेंट ऑफ रेक्टिफिकेशन, मीन्स जैसे ही उनको लगेगा कि अगर कोई वैकेंसी है तो वो AGM में बैठ के बता देंगे, अगर नहीं है तो वो बतानेगी, उनको बताने की जरूरत नहीं है. ओके, नेक्स्ट अब क्वेश्चन ये रह जाता है हु विल बी अपॉइंटेड एंड हाउ, कौन करता है वो ऑडिट कमेटी. ध्यान से देखो कौन करता है वो ऑडिट कमेटी होती है. अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि क्या ऑडिट कमेटी सबके लिए होता है, क्या ऑडिट कमेटी सबके लिए होता है,
ऑडिट कमेटी बनाने के लिए देखिए किसकी जरूरत होती है, टू ऑल लिस्टेड कंपनी एंड टू एवरी पब्लिक कंपनी, ठीक है। बट देखिए सब अगर सारे सारे लिस्टेड कंपनी या सारी सारी पब्लिक कंपनी अगर उनको ऑडिट कमेटी बनानी है तो उनको ये कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। देखिए क्या लिखा है, इफ एनी वन ऑफ दिस कंडीशन फुलफिल्ड इट इज़ अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर द ऑडिट कमेटी, उनको लिए बनाना ज़रूरी हो जाएगा, ठीक है। सो देखिए कौन कौन सी कंपनी को कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है, फिर देखिए फर्स्ट वन इज अगर उनका टर्न अगर उनका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ से ऊपर चले जाए, या फिर टर्न ओवर 100 करोड़ से ऊपर चले जाए, या फिर लोन्स एंड बोरोइंग्स 50 करोड़ से ऊपर चले जाए, इफ ऑल दिस अमाउंट एक्सीड्स या एनी वन ऑफ दिस अमाउंट एक्सीड्स देन देर इज अ रिक्वायरमेंट फॉर ऑडिट कमिटी। ओके किसके लिए है, लिस्टेड कंपनी के लिए एंड पब्लिक कंपनी के लिए। नाउ वी विल टॉक अबाउट द रूल नंबर 3 दैट इज व्हिच टॉक्स अबाउट द मैनर्स एंड प्रोसीजर फॉर द ऑडिट फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स। देखिए आपको ये फ्लो बहुत अच्छे से याद करना है। फ्लो क्या है, पहले देखिए ऑडिट कमेटी बताएगी, दैट मीन्स ऑडिट कमेटी बताएगी कि कौन ऑडिटर होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, वो जो भी रिकमेंड करेगी ऑडिट कमेटी वो कहाँ जाएगा, बोर्ड मीटिंग के पास जाएगा। फिर बोर्ड मीटिंग जो भी रिकमेंड की ऑडिट कमेटी उसको देखेगी, वेरिफिकेशन करेगी कि यार क्या वो ऑडिटर सही है नहीं है। अगर उनको सही लगा दैन दे विल पास टू AGM। देखिए बोर्ड मीटिंग में कौन होगा, बोर्ड ऑफ, लेकिन AGM में कौन होगा, मेंबर्स। मेंबर्स कौन होते हैं, शेयर होल्डर्स कौन होते हैं, ओनर्स, ठीक है। सो बेसिकली जो मैं बात बोल रहा हूँ दैट इज़ आपको ये फ्लो अच्छे से याद रखना है कि फ्लो क्या होगा यहाँ पर। फर्स्ट ऑडिट कमिटी विल रिकमेंड द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स, देन बोर्ड विल अग्री, इफ द बोर्ड बोर्ड विल अग्री विद इट देन दे विल सेम रिकमेंड टू मेंबर्स एट AGM। ओके तो आपको ये फ्लो बहुत अच्छे से याद रखना है, ये फ्लो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए आप ऑडिट कमेटी जब भी कोई किसी ऑडिटर को अपॉइंट करेगी तो वो क्या देखे करेगी, दे विल नीड टू टेक दिस कंसिडरेशन, दैट मीन्स दे विल चेक देयर क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, दे विल चेक वेदर देर इज एनी मिसकंडक्ट बाय देम इन देयर एक्सपीरियंस ऑफ द ऑफ दिस ऑडिटर, ठीक है। अपॉइंटमेंट देखिए ऑडिटर के जा रहे हैं सो उनको पूरा पास्ट हिस्ट्री देखनी पड़ेगी, इफ़ दे हैव सम एक्सपीरियंस सो उनको देखना पड़ेगा कि उन्होंने कोई मिसकंडक्ट तो नहीं किया, तो उनको सब चेक करना पड़ेगा। अगर ऐसा हुआ तो सो दे विल बी डिसक्वालीफाइड। ओके सो देखिए मैंने आपको बताया था फ्लो चार्ट बताया था, पहले ऑडिट कमेटी डिसाइड करेगी, जो रिकमेंड की वो बोर्ड मीटिंग के पास जाएगा, फिर बोर्ड मीटिंग ने अगर उनको जो रिकमेंड किया ऑडिट कमेटी ने अगर उनको पास कर दिया देन दे विल रिकमेंड द सेम टू दी मेम्बर्स एट AGM, ठीक है। अच्छा ये भी हो तो हो सकता है कि बोर्ड मीटिंग ने उनको रिजेक्ट कर दिया, सर रिजेक्ट कर दिया मतलब देखिए अगर ऑडिट कमेटी ने जो भी ऑडिटर का नाम सजेस्ट किया या रिकमेंड किया, जरूरी थोड़ा ना कि बोर्ड मीटिंग उसको हमेशा ही पास कर देगी, नहीं हो सकता। तो देखिए वही पॉइंट लिखा है, इफ बोर्ड मीटिंग डजेंट एग्री देन देयर विल बी टू केसेस, दो केसेस में क्या क्या होंगे, ऑडिट कमेटी रिकंसिडर एंड विल रिकमेंड अदर इंडिविजुअल और फर्म नेम। ऑडिट कमेटी क्या करेगी, दोबारा से रिकंसिडर करेगी, फिर से कोई नया नाम जो है रिकमेंड करेगी किसके लिए, कोई इंडिविजुअल या फर्म। ये भी तो हो सकता है कि ऑडिट कमेटी माने ना अड़ जाए कि नहीं हमने जो सजेस्ट किया वही है, तो क्या होगा, ऑडिट कमेटी रिकंसिडर दी ओरिजिनल रिकमेंडेशन देन अगेन देयर विल बी टू केसेस, तो क्या होगा। देखिए दो केस हो सकते हैं, या तो बोर्ड मीटिंग उसको मना कर दे कि नहीं हमारे आपने जो रिकमेंड किया है हम नहीं मानते उनको, आपने जो है ये इसके लिए कहते हैं कहते क्वालिफिकेशन एज पर दे एक्सपीरियंस और या फिर कोई भी मिसकंडक्ट या फिर उन्होंने देख लिया हो, तो फिर बोर्ड मीटिंग मना कर सकती है। लेकिन जब रिकंसिडर की बात आएगी ऑडिट कमेटी के पास तो उनके पास भी ऑप्शन होगा, या तो उनको वो एक्सेप्ट कर ले कि नहीं हाँ भी ये तो गलत है हम दोबारा फिर से बताएंगे, या तो फिर वो अड़ जाए कि नहीं हमने जो बताया वो बिल्कुल सही है तो आप ही देख लो बस। तो अब बोर्ड मीटिंग के पास फिर से दो ऑप्शन आते हैं, क्या क्या होंगे, बोर्ड विल प्लेस इट्स ऑन रिकमेंडेशन टू द मेंबर्स, या तो अपना नाम खुद बताएंगे कि नहीं यही होंगे ऑडिटर, या फिर बोर्ड विल प्लेस ओरिजिनल रिकमेंडेशन बाय AC टू मेंबर्स इन AC, ठीक है। ये उसमें क्या होगा यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर ये AGM आएगा, इन AGM,
देखिए क्या होगा, या तो बोर्ड जो है अपने अपने हिसाब से उसको रिकंसिडर करेगी लिस्ट को, ठीक है, देन दे विल रिकमेंड न्यू नेम ऑफ ऑडिटर्स, ठीक है, टू मेंबर्स इन एजीएम, ये सही होगा। या फिर क्या करेगा, बोर्ड विल प्लेस ओरिजिनल रिकमेंडेशन, ठीक है, बाय ऑडिट ऑडिट कमिटी टू मेंबर्स इन एजीएम, या तो जो ऑडिट कमिटी ने बताया वही नाम जो है वो एजीएम में उनके सामने रख देगी, किनके सामने, मेंबर्स के आगे, ठीक है। सो बस आपको ये फ्लो चार्ट देखना है, ऑडिट कमिटी, देन बोर्ड मीटिंग एंड देन एजीएम। ऑडिटर सर्टिफिकेट एंड कम्युनिकेशन, यानी कि जब वो अपॉइंटमेंट लेने जा रहे होंगे ऑडिटर, तो वो कैसे कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। प्रपोज ऑडिटर विल इशू अ सर्टिफिकेट टू बोर्ड, दैट मीन्स जैसे देखिए कोई भी अगर आप मान लीजिए जॉब के लिए जाते हो, ठीक है, सो आपको एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, एलओआर लेना पड़ता है कि दे दैट दिस पर्सन दिस स्टूडेंट इज फिट फॉर योर कंपनी, ठीक है। सो ऐसे उनको एक सर्टिफिकेट इशू करना पड़ता है बोर्ड को, क्या क्या, अबाउट द डिस्क्वालिफिकेशन, कि ये पॉइंट है कि उनकी हर कंपनी के अलग अलग लीगल प्रोसीडिंग्स होती है, ठीक है। तो ऑडिटर में भी क्या होता है, उनके कुछ पॉइंट्स होते हैं, उनको बताना पड़ता है कि अगर आप इन पॉइंट्स में कहीं भी लाई करते हो तो उस पर टिक कर दो, अगर नहीं करोगे दैट मीन्स आप डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, प्रपोज अपॉइंटमेंट टर्म इन दैट इन दी एक्ट, उसमें लिखा होगा कि उनका टर्म बताना पड़ेगा एक्ट के अंदर, ठीक है। देन प्रपोज अपॉइंटमेंट इज विद इन द लिमिट्स ऑन नंबर ऑफ ऑडिटर्स, देखिए ये तो हम आगे पढ़ेंगे। वैसा होता क्या है, ऑडिटर्स के कुछ लिमिटेड नंबर्स होते हैं, दैट कि वो सिर्फ कुछ टाइम के लिए या फिर कुछ इतना ही ऑडिट कर सकते हो, बाकी नहीं कर सकते। उनको बताना पड़ेगा कि उन्होंने प्रीवियस अब तक कितने ऑडिट कर लिए, ठीक है। तो ऑडिट के लिए नंबर ऑफ ऑडिट्स जो है वो लिमिट्स होते हैं, सो उनको वो लिमिट्स डिफाइन करना पड़ेगा उस सर्टिफिकेट में। देन लिस्ट ऑफ पेंडिंग प्रोसीडिंग्स ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, दैट मीन्स उनको बताना पड़ेगा किसको, प्रपोज ऑडिटर को, कि अगर कोई पास्ट में अगर कोई मिसकंडक्ट हुआ है, अगर कोई लीगल प्रोसीडिंग जो है अभी भी पेंडिंग चल रही है, तो उनके बारे में सब कुछ डिस्क्लोज करना होगा, ठीक है। अब कंपनी जो ऑडिटर को क्या देगी, देखिए, इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ प्रपोज ऑडिटर विद इन 15 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट, कि अब उनका अपॉइंटमेंट हो गया है, 15 दिन के अंदर उनको जो एक इन्फॉर्मेशन उनको पास करनी पड़ेगी। फिर कंपनी को जो है आरओसी को बताना है, आरओसी यहाँ पर क्या है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, उनको भी एक कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि दैट दे हैव अपॉइंटमेंट दीज ऑडिटर्स, उनको एक फॉर्म के साथ उनको बताना पड़ेगा, फॉर्म नंबर क्या है, ADT1, कब तक उनको बताना पड़ेगा, विद इन 15 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट, ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अनदर टॉपिक, दैट इज टर्म्स एंड रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स। टर्म्स एंड रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स, ये किसके बारे में, कहाँ पर बताया है, रूल नंबर 5 के अंदर। पहले तो बात करते हैं कि रोटेशन किस किस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। रोटेशन के देखिए किस किस के लिए एप्लीकेबल नहीं है, वन पर्सन कंपनी के लिए ऑडिटर नहीं है, एंड स्मॉल कंपनी दोनों के लिए नहीं है, ठीक है। किसके लिए के लिए एप्लीकेबल है, फॉर एवरी लिस्टेड कंपनी, फॉर एवरी लिस्टेड कंपनी। अब दो होंगी, या तो पब्लिक होगी या प्राइवेट होगी, बट उनके भी कुछ लिमिट्स है। पब्लिक कंपनी होगी तो उनका पेड अप शेयर कैपिटल कितना होना चाहिए, एक्सीड करना चाहिए 10 करोड़ से। प्राइवेट कंपनी हो तो 20 करोड़ से एक्सीड होना चाहिए पेड अप शेयर कैपिटल। अगर मान लीजिए 10 करोड़ से कम है या 20 करोड़ से कम है, तो फिर वो अदर कंपनी बन जाएगी, ठीक है। और अदर कंपनी होगी तो क्या होगा, उनका कम से कम जो लोन्स एंड लाइबिलिटी है वो कम से कम 5 करोड़ से एक्सीड होना चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, देखिए रोटेशन जो है वो एप्लीकेबल इसके किसके लिए है, फॉर एवरी लिमिटेड कंपनी, एवरी लिस्टेड कंपनी, सॉरी, एवरी लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी दो ही होती है, पब्लिक एंड प्राइवेट। पब्लिक होगी तो उनका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ से एक्सीड होना चाहिए, प्राइवेट कंपनी हो तो उनका पेड अप शेयर कैपिटल 20 करोड़ से एक्सीड होना चाहिए। और अगर एक्सीड नहीं हो रहा, पब्लिक कंपनी का 10 करोड़ से एक्सीड नहीं हो रहा, प्राइवेट कंपनी का 20 करोड़ से एक्सीड नहीं हो रहा, देन दे विल कम अंडर थर्ड कैटेगरी, दैट इज अदर कंपनी। और अदर कंपनी हुई तो दैट मीन्स देयर लोन्स एंड लाइबिलिटीज अमाउंट शुड एक्सीड 5 करोड़, ओके, तभी वो रोटेशन के लिए अपीलेबल होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। मीन्स अगर ये यही कंडीशन फुलफिल होगी, कोई भी एक कंडीशन फुलफिल होगी, सो दैट इन दैट मीन्स दे आर अपीलेबल फॉर रोटेशन। टर्म्स देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था सेक्शन 139 में ऊपर, कि
ऑडिटर्स कौन हो सकते हैं, फर्म, इंडिविजुअल, एलपी, कोई भी हो सकता है। अगर इंडिविजुअल हुआ और अगर कोई ऑडिटर अपॉइंट हो गया, सो वो कब तक होगा? वन टर्म ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। एक टर्म होगा, वो टर्म कितने का हुआ? फॉर द 5 कंसेक्यूटिव ईयर। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ। और अगर फर्म या एलएलपी हुई तो फिर टू टर्म्स होंगे फॉर 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। टू टर्म होंगे फॉर 5, यानी कि दो टर्म एक साथ होंगे, यानी कि एक टर्म हुआ, ठीक है, फिर सेकेंड टर्म हुआ, दोनों के बीच में कोई गैप नहीं आता और दोनों ही 5 5 साल के होंगे, ठीक है। कूलिंग ऑफ पीरियड, कूलिंग ऑफ पीरियड में अलग क्या होता है? रेस्टिंग टाइम फॉर दी ऑडिटर्स। जैसे देखिए, इंडिविजुअल 5 साल काम कर लिया, उसके बाद दे मे बी गेट री अपॉइंट फॉर दी ऑडिटर्स, बट वो कब होंगे? आफ्टर कूलिंग ऑफ पीरियड। 5 साल काम कर लिया, नेक्स्ट 5 ईयर्स दे विल रेस्ट एंड देन दे गेट दे आर रेडी फॉर दी रीअपॉइंटमेंट। सेम फॉर दी फर्म, पहले वो 10 साल काम करेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद 5 साल आराम करेंगे, फिर उसके बाद दोबारा से वो एलिजिबल जाएंगे रीअपॉइंटमेंट। अब देखिए, रीअपॉइंटमेंट होंगे, रोटेशन होगा, तो वो उसका प्रोसीजर क्या होगा? सेम फ्लो जो हमने ऊपर देखा था। कौन सा फ्लो? देखिए, हमने जब जब कंपनी ऑडिटर को अपॉइंट करती है तो क्या फ्लो होता है? पहले क्या होता है? ऑडिट कमेटी, देन बोर्ड मीटिंग एंड देन एजीएम। ऐसे ही जब रोटेशन होता है तब इसका सेम प्रोसीजर होगा, सेम प्रोसीजर होगा, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये मैंने स्टेटमेंट लिखी है ताकि भूल मत जाना कि फर्म यहाँ पर एलएलबी भी इंक्लूड है, ओके। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट नोट पॉइंट है यहाँ पर। इफ जॉइंट ऑडिटर देन फॉलो रोटेशन इन सच अ मैनर दैट बोथ और ऑल जॉइंट ऑडिटर्स डोंट कंप्लीट देयर टर्म इन द सेम ईयर, दैट मीन्स कंपनी को देखना पड़ेगा कि जब भी रोटेशन बेसिस पे ऑडिटर्स आ रहे हैं तब उनका उनका जो टर्म जो है वो सबका एक साथ एक ही साल में ख़त्म ना हो रहा हो, क्योंकि सबका एक साथ खत्म हो तो काम कौन करेगा? क्योंकि आपको पता है कि देखिए, एनुअल जनरल मीटिंग में देखिए सारे काम नहीं हो पाते, उनको और भी रेजोल्यूशन पास करने पड़ते हैं, ठीक है। सो ऑडिटर का अप्रूव करना इतना आसान काम नहीं होता, तो उनको देखना पड़ता है कि एक साथ सारे ऑडिटर कहीं सबका टर्म एक साथ ख़त्म ना हो रहा हो, तो उनको देखना पड़ेगा कि अगर एक से ज़्यादा ऑडिटर एक साथ अगर रोटेशन बेसिस पर आ रहे हैं तो एटलीस्ट उनको इस तरह से रोटेशन दो कि एक साल में सिर्फ एक ही ऑडिटर जिनका टर्म फिनिश हो रहा हो, ठीक है। नाउ सेक्शन 139(5) to 8, ये देखो मैंने एक टेबल बनाई है ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए कि कैसे कैसे जो है ऑडिटर्स की अपॉइंटमेंट होती है, ठीक है। फर्स्ट देखिए क्या है, टाइप्स ऑफ ऑडिटर्स, देन हमें देखना है कि कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है या नहीं है, फिर उसके बाद देखना है कि फर्स्ट स्टेज में ऑडिटर्स कैसे अपॉइंटमेंट होते हैं। अगर फर्स्ट स्टेज नहीं पास होता तो फिर सेकेंड स्टेज में कौन करेगा? सेकेंड स्टेज नहीं होगा तो फिर थर्ड स्टेज में कौन होगा? मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ, थर्ड स्टेज, ठीक है, और फिर उनका टेन्योर कब होगा, ठीक है। देखिए, अगर फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट हो रहा है, फर्स्ट ऑडिटर, ठीक है, वेरी फर्स्ट है, और अगर वो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, देन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को जो है ऑडिटर को जो अपॉइंट करना पड़ेगा विद इन 30 डेज ऑफ रजिस्ट्रेशन। दैट मीन्स मान लीजिए अगर कोई भी नॉन गवर्नमेंट कंपनी है एंड दे वॉन्ट टू अपॉइंट फर्स्ट ऑडिटर, ओके, देन दे विल पास अ और कैन से दे विल पास अ फॉर्म, एक ऑनलाइन फॉर्म जो वो आउट कर देगी, देन विद इन 30 डेज ऑफ द रजिस्ट्रेशन दे विल नीड टू अपॉइंट। एंड इफ दे फेल टू डू सो, दैट मीन्स अगर फर्स्ट इज कम्प्लीट नहीं हो तो फिर देन द AGM, दैट मीन्स मेंबर्स को जो वो करना पड़ेगा AGM में, ठीक है, दैट मीन्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। देखिए मैं क्या समझा रहा हूँ, फर्स्ट ऑडिटर की अपॉइंटमेंट कौन सी कंपनी नहीं होगी, वो गवर्नमेंट कंपनी नहीं होनी चाहिए, तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है मीटिंग में डिसाइड करेंगे कि विद इन 30 डेज उनको उनको जो ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा, और अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कर नहीं पाते ड्यू टू एनी सम रीज़न, देन सेकेंड स्टेज होगी AGM, दैट मीन्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में उनको पास करना पड़ेगा। कहाँ पर? मेंबर्स को होते हैं शेयर होल्डर्स, ठीक है। कब तक उनको जो बताना पड़ेगा? विद इन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है, यानी कि ये इसके 60 डेज का डिफरेंस रहेगा इसमें और इसमें, ठीक है। अच्छा, उनका टेन्योर कब तक होगा? टिल द फर्स्ट AGM, टिल द फर्स्ट AGM तक होगा। देन
सेकंड क्योंकि यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर बता रहा हूँ, यहाँ पर देखिए ये जो मैं लिख रहा हूँ 139 सबसे क्लोज 6 है, देन 139 क्लोज 7, 139 क्लोज 8, देन 139 क्लोज 5, ठीक है। सेकंड आपका 139 क्लोज 7, अगेन फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट हो रहे हैं, किस केस में? गवर्नमेंट कंपनी। और जब भी गवर्नमेंट कंपनी का केस आएगा तो याद रखना यहाँ पर क्या आएगा, कैब, दैट इज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो फिर उनका रोल तो होगा ही होगा, गवर्नमेंट है। और देखिए गवर्नमेंट है तो देखिए आराम से काम करेगी, लेजीनेस तो दिखाएगी, ठीक है। देखो प्राइवेट कंपनी देखो 30 दिन में काम कर रही है, वो 60 दिन में काम कर रही है। देखो क्या लिखा है, दैट मीन्स दे नीड टू गेट अपॉइंट फर्स्ट ऑडिटर विद इन विद इन 60 डेज ऑफ द रजिस्ट्रेशन। कौन करता है यहाँ पर? CAG, ठीक है। एंड अगर फर्स्ट ईयर कम्प्लीट नहीं हुआ या फिर वो टाइम पे नहीं कर पाए तो फिर क्या होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही करेंगे इसको विद इन, सॉरी इन नेक्स्ट 30 डेज, यानी कि जैसे ही 60 दिन कंप्लीट हुए वहाँ से 30 डेज काउंट हो जाएंगे। कौन करेगा अपॉइंट? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। और अगर ये भी नहीं कर पाए तो फिर देन विद इन विद इन 60 डेज मेंबर्स विल गेट अपॉइंट अंडर दे नीड टू पास अंडर रेजोल्यूशन इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। ओके, सो ये है आपका फ्लो गवर्नमेंट कंपनी में एंड नॉन गवर्नमेंट कंपनी में। देन टॉक लेट्स टॉक अबाउट द कैजुअल वैकेंसी, किसके अंडर आता है आपका? सेक्शन 139 क्लोज 8। अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो मैंने बताया था आपको CAG आएगा, और CAG आएगा तो देखिए आप आराम से काम होंगे। देखिए कितने 30 दिन में को अपॉइंट करना पड़ेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट अगर वो नहीं कर पाए तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को 30 दिन के अंदर अपॉइंट करना पड़ेगा, कैजुअल वैकेंसी फिल करनी पड़ेगी। यहाँ पर कब तक उनका टेंडर होगा? टिल द नेक्स्ट AGM, फर्स्ट AGM नहीं, यहाँ पर टिल द नेक्स्ट AGM, अपकमिंग जो भी इवेंट होगा, अपकमिंग जो भी AGM होगी वहाँ तक इनको कैजुअल वैकेंसी अपॉइंट करना पड़ेगा। देन लेट्स टॉक अबाउट दी सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स, दैट मीन्स ये फर्स्ट ऑडिटर नहीं है, सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स है। ये किस में अंडर आएगा आपका? आएगा सेक्शन 139(5). तो फर्स्ट एज देखिए यहाँ पर गवर्नमेंट कंपनी है तो किसका रोल होगा? अगेन कैब, कंट्रोलर एंड ऑडिटर ऑफ इंडिया। तो इसमें उनको विद इन 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दे नीड टू गेट अपॉइंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स। उनका टेंडर कब तक होगा? टिल द कंक्लूजन ऑफ AGM। ओके, सो ये है आपका सेक्शन 139 क्लोज है आपका 5 to 8, ठीक है। नेक्स्ट, री अपॉइंटमेंट ऑफ रिटायरिंग ऑडिटर, दैट मीन्स अगर मान लीजिए कोई ऑडिटर रिटायर हो रहा है तो क्या वो री अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल है या नहीं है, इसका जो प्रोसीजर पूरा किसकी कहाँ पर बताया? सेक्शन 139 क्लोज 9 क्या लिखा? देखिए रिटायरिंग में भी री अपॉइंट, यानी कि जो रिटायरिंग ऑडिटर हैं वो री अपॉइंट हो सकते हैं, कंडीशन नॉट डिस्क्वालिफाइड फॉर री अपॉइंटमेंट, अनविलिंगनेस नोटिस टू नॉट गिवन, ठीक है। दैट मीन्स उनको बताना पड़ेगा दैट दे आर विलिंग टू वर्क, ओके, और दे आर कैपेबल ऑफ वर्क। देन स्पेशल रेजोल्यूशन नीड टू बी पास इन AGM, ठीक है, नॉट पास दैट अदर ऑडिटर विल बी अपॉइंटमेंट। यानी कि AGM देखिए कौन होता है? मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स होते हैं। उनको स्पेशल पास करना पड़ेगा कि उनको ये बताना पड़ेगा कि कोई और ऑडिटर नहीं आ रहा, हम जो पुराने ऑडिटर से ही काम चला रहे हैं, ठीक है। या फिर ये कह सकते हैं कि नहीं हम तो ये नहीं आएंगे, पुराने वाले हैं, मतलब हम तो नए वाले अपॉइंट करेंगे, ठीक है। सो मतलब एक तरह से उनको बताना पड़ेगा, क्लियरली उनको एक एक्सप्रेशन को बताना पड़ेगा कि क्या वो स्पेशल रीजन उनको बताना पड़ेगा कि क्या जो रिटायरिंग ऑडिटर हैं क्या उनके री अपॉइंटमेंट हो सकती है या नहीं हो सकती, वो कहाँ बताना पड़ेगा? AGM में, बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन बाय दी मेंबर्स। ओके, ये सारी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। देन सेक्शन 139(10), दैट मीन्स इफ नो वन इज अपॉइंटेड और रीअपॉइंटमेंट एट AGM, देन एग्जिस्टिंग ऑडिटर शैल कंटिन्यू टू बी दी ऑडिटर। दैट मीन्स अगर मान लीजिए कोई दैट मीन्स मान लीजिए कोई अपॉइंट ही नहीं हुआ, रीअपॉइंट ही नहीं हुआ, AGM में कुछ डिसाइड ही नहीं हुआ, तो फिर ठीक है जो पुराना ऑडिटर है वही कंटिन्यू होता रहेगा। देन लास्ट वन इज सेक्शन 139(11), दैट मीन्स ऑल ऑडिटर्स इंक्लूड द कैजुअल वैकेंसी शैल बी मेड आफ्टर टेकिंग रिकमेंडेशन फ्रॉम ऑडिट कमेटी, दैट मीन्स ऑडिट कमेटी के बिना कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। सो ये था आपका सेक्शन 139।
मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको है बहुत अच्छे से करना, ठीक है। सो इसमें हमने डिस्कस किया सब कुछ, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड सब कुछ डिस्कस किया, कैसे कैसे कौन ऑडिटर कैसे अपॉइंट होते हैं, फिर जब ऑडिटर जो अपॉइंट होते हैं कैसे वो कम्युनिकेट करते हैं, कौन सा सर्टिफिकेट इशू करना पड़ता है। देन वी हैव डिस्कस अबाउट द रोटेशन ऑफ द ऑडिटर्स, मीन्स उनका टर्म क्या क्या होता है, कैसे वो रोटेशन होते हैं, उनका हमने प्रोसेस पढ़ा था, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था सबके क्लोजेस पढ़े थे हमने, कि फर्स्ट ऑडिटर कैजुअल वैकेंसी या फिर सबसे ऑडिटर होगा तो कैसे अपॉइंटमेंट होंगे। देन वी हैव डिस्कस अबाउट दी री अपॉइंटमेंट ऑफ रिटायरिंग ऑडिटर, सो उनको ये कंडीशन फुलफिल करनी होगी तभी वो रिटायरिंग ऑडिटर अपॉइंट हो सकते, अदरवाइज नहीं हो सकता। ओके, सो दिस इज दी ऑल अबाउट सेक्शन 139। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट द सेक्शन 130, सॉरी 140। ओके, सो आई होप यू हैव अंडर